पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है, ये फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है, और पूरा लोग जानी पहचानी कैसी लगती है, आप ही लगाए जरा अनुमान कौन है, पूरा लोग तो जानी पहचानी कैसी लगती है, आप ही लगाए जरा अनुमान कौन है, श्री मती बोली बेटा यही तो है बाप मेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है, बेटे ने कहा कि ये पापा है तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है, अभी कोरोना की बात है हमारे कई सब जब जीवन ने पूरा गीत बनाया और विकास ने भी अपने पढ़ा कोरोना का क्या क्या है, लोगों का क्या हुआ, कैसे कैसे क्वारंटीन है क्या हुआ, तो कोरोना के इन कवियों ने ये लिखा कि कोरोना से कभी भी बहुत मुश्किल थी, कारण यह हुआ कि कर्मचारी बंद हो कोई कई कविता पढ़ी नहीं थी, कविता लिखनी पड़ती, तो कोरोना से बड़ा ये लोग परेशान है, तो जो कर्मचारी जीवित थे तो कोई तो कोई काम घर में करना पड़ा, तो यात्री के सहारे हमने भी एक पर्सन की दुकान कर दी और वो जाता जाता नहीं थी, दुकान कर दी पहले दिन बरसात का मौसम था, एक महिला ये माचिस लगती है घर में गई, माचिस जलाई नहीं थी, वापस कर दिया, मैंने देखा थोड़ा सा ये नम ये पीली गाड़ी थोड़ी देर तक गाड़ी पर पड़ गया, नमी सूख गई, माचिस जला के निकाल ने कहा माचिस बहुत अच्छी बनी ले जाओ, महिला जिधर के बोली अब ये माचिस हम नहीं लगाएंगे, तुमने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, आप माचिस क्यों नहीं लगाओ जब जल गए, तुझे कहा तर्क क्या दिया, ये ले गई कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने, ले गई खरीद कर माचिस नहीं जले तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने, और तीली को निकाल कर रगड़ा तो दाढ़ी पर और नहीं तीली लगी आरू को पकड़ने, बोली यहाँ देख कर इसको न ले जाऊंगी पैसे कर वापस न बात देने घर ने, बोली यहाँ देख कर इसको न ले जाऊंगी पैसे कर वापस न बात देने घर ने, इसको जलाने घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी से रगड़े, छोटी छोटी बातें भी आनंद करने हो जाती है, लेकिन कविताएं अलग होती है, ये आनंद की बातें अलग हो सकती है, कविता में हमारे विषय रहते हैं स्वयं के कल्याण का आनंद की त्योहार, यही विषय रहते हैं, देखिए इधर के वार्ड में मोबाइल नहीं रहते हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, तो ताजिया बजाने वाले मोबाइल में जब तो हमारा पड़ा हुआ है, कल हम सब मिल जाएगा, कल भी बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ये भेजा होगा जब हम कराना कल हम सुबह सुबह हम मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है सर करके मिल जाएगा, हमारा नाम डालना सब मिला चल जाएगा, तो सब पड़ा हुआ तो दो जगह बड़ी दिक्कत आई, इसलिए मोबाइल हाथ में सबसे कम का मेलो में ताजिया बजना बड़ा मुश्किल, हम अपना कविता पढ़ते हैं, लोग मजबूत चलाते हैं, मूवी बना लेते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, घरेलू जिंदगी में भी स्मार्टफोन आने से बड़ी दिक्कत आ गई, पत्नी पड़ोस में लेटी है आप मोबाइल पे लगे हुए, मतलब संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है, मैं भी अपने मोबाइल में आने आया स्मार्टफोन लिया, मैं भी मोबाइल चला था, सहयोग से विकास लोकल ने क्या कविता लिखी थी और उसके नीचे एक फोटो सुंदरी का लगा दिया था, मैं तो उसकी कविता पढ़ रहा था, पत्नी पुस्तक को समझ बैठे तो मुझे अपने रह गए साइज जारी अलग बोला अपना रोज तो उस रोजे को मैंने की बनाया कि जौन बनाए मोबाइल जो इंटरनेट चलाए, जौन बनाए मोबाइल जो इंटरनेट चलाए, राम करे बहुराए तो हमारे घर में आग लगाए, राम करे बहुराए तो हमारे घर में आग लगाए, हमारे भोले भाले कन्हैया पगलाए गए हो, हमरे हमारे कन्हैया पगलाए गए हो राजा, फेसबुक वाले से रिझाए गए हो राजा, नए नए चौक होता क्या है कि चौबीस घंटा जिते वहे माँ
खून के खाना पानी, चौबीस घंटा छुपे वहे माँ खून के खाना पानी, कुंतल भर के रहे दस किलो रहिए दिल भर जानी, कुंतल भर के रहे दस किलो रहिए दिल भर जानी, प्याटा जैसी हो बुराई गए हो रात भर हमसे करवट सपना ले रात भर हमसे आए का हमसे पिंड छोड़ावे आए जब तू लिखे वह का हमसे पिंड छोड़ावे बहुखल पहले रहे बहुखल पहले रहे सिरियाई गए हो राका ये भुखवाली पे रिजाई गए हो इनका मन भरवाई सात साल की मुई कलम ही इनका मन भरवाए हीरो इंजन सुंदर फोटो डीपी माँ चक्काए हीरो इंजन सुंदर फोटो डीपी माँ चक्काए वही की देख के जवानी लब लबाए गए तो हमें उस अत्याचार
भैया जी हमारा कोई जनाधार नहीं है, तो कहे थे चुनाव लड़ गए थे, अब देखो हमारा बना बनाया घर निकल रहा है, तो उसने क्या पता है, अब वो सफाई हमको कम ले रहा है, पत्नी को सफाई ज्यादा दे रहा है, ऐसे कितनी प्रत्याशी है आप ये प्रेस को सबसे कम लोग, तो मेरा दावा है उसका यही है, हमका नीरज औ बहुखल फसाए कि हमका नीरज औ बहुखल फसाए दीनो कुछ तो अमरेंद्र पानी चढ़ाए दीनो कि ये लेकर महमका भिड़ाए दीनो कि ये लेकर महमका भिड़ाए दीनो हम नरते हम नलते नहीं खेलुआ लड़ाई हो हम नलते नहीं खेलुआ लड़ाई नहीं हो गाँव खूब तंबू यही आयु चाल पंगा समर्थन दिन मई का फिर लुटिया दुबाए हो हम नलते नहीं खेलुआ लड़ाई हो संध्या का द्वारे रोज मुर्गा नाच पी के पी कर नाय हो हम लड़ाई अच्छा ऐसे प्रत्याशी को शुरू में ही गाँव ने अंडरलाइन कर सके जिसके दरवाजे जाता है एक ही उत्तर मिलता है आप लोग भी यही उत्तर देते होंगे अपने प्रत्याशी को गाँव यही के घरवास मांग गाँव यही के घरवास मांग तू कही जाओ निश्चिंत तुम कही जाओ निश्चिंत तुम बाजी माँ सारे मिलकर हराए हो हम लड़ते अब ये चेकर ये चेक करते हैं ये तो अच्छे नेता जो हमारी महिला चलिए एक गरीब भाई छोटा सा भूखा है गरीब भाई अपनी बहन का विवाह कर देता है स्थितियाँ ऐसी नहीं बनती है तो अपनी बहन को जा करके पूरा वर्ष आयन करता है हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्व करते हैं ये पर्व पर भाई का जाना अनिवार्य होता है करवा पे करवा लेकर के जाता है नागपंचमी के ऊपर भटूले करके जाता है और अगर बहन रक्षाबंधन पे राखी बना तो राखी बना नहीं लेकिन महत्वपूर्ण पर्वों के ऊपर जब भाई नहीं पहुंचता है तो उसकी बहन को तरह तरह के गरीब क्या करती है साथ हाल करती है उसके बाद गरीब की बहन का उत्तर ये जब से ढके तब से ताली की जरूरत नहीं अब जब कविता हमारे जा रहे हैं कविता का मूल्यांकन कोई ताली होती है जिसे मन से हमें लिखा है किसी की पीड़ा का किसी चीज का विवरण हो जैसे हम लगाया उसके बिल्कुल लेकिन बीच में प्रार्थना करते जब से ढकेली गई सबसे मातो है बहु लौटी काली ही दिला ही तो हो खबरिया ये साथ में कर कि जब से ढकेली गई सबसे मातो है बहु लौटी काली ही दिला ही तो हो खबरिया वो चिट्ठिया तले सवाना पतिया पठाई ने भैया तुए भूले यही वार की जगरिया फिर भारू रहे भौजिया के अंक पर बिंदु दो से फूट गए उनका निगोरिया और देख लिया होती तोहरे नजरवा की सारू भी तो आए नहीं फिर बहुजिया देख लिया होती की तोहरे नजरवा की करवा न लाए जा तो आई गई देवरिया ये चार मन का सकती है और वो गरीब की तरह ये कि मेरा भाई क्यों नहीं आता कोई बढ़िया कैसे भैया आए कौन मजबूरी हुई है भैया आए नहीं कौन मजबूरी हुई है भैया आए नहीं कौन मजबूरी हुई है अब की बरखा मैया लागी मजबूरी हुई है अब की बरखा मैया लागी मजबूरी हुई है अब की बदरा किसने ना है जब से भई अतारी रहिया हुई है बंद
नजर ही नदिया हो गए बारी तो या तो कौन बिरना के दिख कोई समस्या का या तो काम कौन बहुत है जरूरी होई है भैया आए कौन मजबूरी होई है। एक बात से मैं क्या था कि तो अपनी भैया दादी की चहेती उसका प्रमाण दे रही है कि नाने कैसा नहीं हुई अपनो फूलनदार घरिया नाने कैसा नहीं हुई अपनो फूलनदार घरिया देख देख कहीं सुसत मन है गुड़िया और कटरिया और माना अति बात पर हमारी पूरी बड़ी ससुरिया बोल मन मात कब होना दूरी होई है भैया आए कहूं मैं एक बात से विनती कि अगर नहीं आ सकते थे तो कम से कम चिट्ठी लिख लेते पत्र लिख लेते उत्तर देते कि मेरे भाई ने पत्र लिख दिया कि भोले भाले दुआ दुआ भैया ने दिया भोले भाले दुआ दुआ भैया ने दिया पढ़े लिखे कोई आधार होगी तुरंत कठोती पाती और कुशल करे भगवान विपत्ति हाल जान नहीं जाती वैसे उनके ही ये काना सबूरी होई है भैया आए नहीं कहूं मजबूरी होई है। उसको शंका है कि हो सकता है परिवार में कहीं विपत्ति पड़ी उसने पूरे परिवार की सफलता बना ली दूर बैठे बहन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अंतिम प्रक्रिया करेगा कि फूले फले अंगन माने भैया और भतीजवा फूले फले अंगन माने भैया और भतीजवा देख देख कई करवा है भौजी क्या करवा और की ललना के सुनवा कसी कई नु की मैंने गवा जब कामना हमारी यह पूरी होई है भैया आए नहीं कहूं भतीजवा। ये अगर अच्छा लगा हो इस कामना के साथ कर रहा हूँ कि ईश्वर नगरे किसी भी परिवार में ऐसी कोई भूखल कर भी बेटी का गीत है एक ऐसी कई घर की आती है जो दहेज नहीं जा पाती है ससुराल वाले लोग भी होते हैं वो सोचते हैं दहेज तो आया है बहुत वाई लेकिन दहेज है अगर इसको मार दिया जाए इसको जला दिया जाए पुत्र का दूसरा विवाह दिया जाए कहीं दूसरी जगह का गिरफ्तार कर योजना बन जाती है कि कल इसको मार पड़ता है लेकिन उसकी जानकारी बहू को हो जाती है ये लोग कल मुझे बहू निवेदन करती है साथ में कि अगर मुझे मारना ही जलाना है तो मुझे केवल एक दिन की मोहलत और वो एक दिन की मोहलत जो मांग रही है ये बहुत कुछ मिनट लगता है रोई रोई बिनती विचार बहिना भाई मोहे ना जराओ राखी के बिना भाई मोहे ना जराओ राखी के बिना भाई मोहे ना जराओ। पूरे वर्ष बैठा की क्या करते तब एक हिस्सा भाग वाले पद से जुड़ जाता है निवेदन कर कि गिनी 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 कटे बारह महीनवा दिन गिनी गिनी कटे बारह महीनवा ओ साल भर बाबी आ राखी का बधनवा साल भर बाबी आ राखी का बधनवा ओ बहनी लगावे माथे रोलियो चढ़नवा रहिया कतरी हुई है हमरे बिरनवा ओ दूनी भैया की कलैया हुई है राखी के बिना भाई मोहे ना जराओ आई राखी के बिना भाई मोहे ना जराओ। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि बेटी का संबंध बेटी या बहन का संबंध मायके से तब तक रहता है जब तक वो डोली पर बैठ करके ससुराल में लेकिन ससुराल से इतना अटूट बंधन माना गया है तब टूटता है जब वो अर्थन पर बैठ करके संतान जाती निवेदन करती या गया कि बधी तोरे पूत संग खून से जुगाई बधी तोरे पूत संग खून से जुगाई और प्यार से पाले चाहे सौंप दे कताई प्यार से पाले चाहे सौंप दे कताई और जीने गाली गोई तो जहाँ जब कपल जी जाए चाहे जहाँ हुई फिर ही आई और जिया
जराओ माई राती के बिना माई मोहेला जराओ। उसे लगता है कि निवेदन स्वीकार फिर मुझे मारना। अंतिम अच्छा उपाय लगाती है, उसका पति खड़ा है, उसकी ननद खड़ी है, उसकी देवर की भीख मांगो पकड़ ननद की कलैया, भीख मांगो पकड़ ननद की कलैया, कोई निकी छावर देवर की कलैया, आवाज देना जरा दाई दे तू मैया, एक देना जरा दाई दे तू मैया, राम करई बाजे तोरे द्वारे पे बधैया, और फूले फले खूब फूलवार तोरे अंगना, मोहे नजराओ माई राती के। Thank you.